आप देख रहे हैं दखल न्यूज। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं LIC ऑफ इंडिया, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। CRPF काफिले के पास कार में विस्फोट, कार के उड़े पर खच्चे, हादसा या साजिश, जांच जारी। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर हमला, हम भलाई के लिए काम करते हैं और ये मलाई के लिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रोड शो के बाद नामांकन दाखिल किया, कई दिग्गज रहे मौजूद। राहुल गांधी का वीडियो वायरल, हर महीने दिलवाएंगे 72,000। और भोपाल में नियम कानूनों का मजाक, अब राजभवन के पास खुल रही है शराब दुकान। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF काफिले पर हुए आतंकी हमले जैसी घटना एक बार फिर हुई। जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक बार फिर CRPF काफिले के पास एक सेंट्रो कार में धमाका हुआ है। इस धमाके में CRPF का काफिला बाल बाल बच गया। इस धमाके के बाद जहां स्थानीय पुलिस गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की बात कह रही है, वहीं CRPF द्वारा जारी बयान में इस तरह की कोई भी बात का जिक्र नहीं है। वहीं CRPF ने इसके आतंकी घटना होने से भी इनकार नहीं किया है। यह हादसा है या साजिश, इस बात की जांच अभी चल रही है। जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर बनिहाल के निकट CRPF के काफिले के पीछे चल रही एक सेंट्रो कार में रहस्यमय परिस्थितियों में विस्फोट हुआ। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त यह कार CRPF वाहन के पास ही चल रही थी और इसमें CRPF जवानों के काफिले को टक्कर भी मारी थी। इस धमाके में CRPF के वाहन को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कार में हुआ धमाका जबरदस्त था और इससे कार के परखच्चे उड़ गए। वहीं कार में सवार ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। घटना के बाद इसकी जांच शुरू कर दी गई है। CRPF के सूत्रों का कहना है कि शुरुआत जांच में मामला कार में सिलेंडर ब्लास्ट का लग रहा है, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। इस धमाके में CRPF जवान या किसी अन्य आम नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। फिलहाल सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है और जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि बीते 14 फरवरी को पुलवामा में जोरदार धमाका हुआ था। RDX से भरी कार को CRPF के काफिले से टकराया गया था। इस आतंकी हमले में 40 CRPF जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की थी। इसके तहत जब भी सुरक्षा बलों का काफिला हाईवे से गुजरेगा तब आवाजाही रोक दी जाएगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भी बनिहाल टनल के पास CRPF के काफिले के पास यह संदिग्ध धमाका कैसे हुआ। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अब तक इस ब्लास्ट में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये गाड़ी हाईवे पर कौन लेकर आया, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, क्योंकि गाड़ी के ड्राइवर की अभी तक कोई खबर नहीं मिली है, जिससे कई किस्म की आशंकाओं को बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में कहा कि हम भलाई के लिए काम करते हैं और ये मलाई के लिए। सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई और कारनामा, जिस बात पर देश को गर्व होता है ये उसका मजाक उड़ाते हैं। PM मोदी ने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए कहा, जब दुनिया में भारत का डंका बजता है तो ये तिलमिला जाते हैं और ये वही भाषा बोलते हैं जो आतंकवादियों की आका बोलते हैं। ITBP ग्राउंड पर चुनावी सभा में PM मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की हमेशा करप्शन से साठ गांठ रहती है। उन्होंने कहा कि हम भलाई के लिए काम करते हैं और वो अपनी मलाई के लिए काम करते हैं। मोदी ने कहा कि अरुणाचल में जो आपकी जेब से पैसा चुरा रहे हैं उन्हें दिल्ली में बैठे अपने नेता से प्रेरणा मिलती है। जो इनकम टैक्स चुराते हैं, किसानों की जमीन चुराते हैं, अखबार चलाने के लिए मुफ्त में ली गई जमीन से लाखों रुपए किराया कमाते हैं, रक्षा सौदे की दलाली से प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं। राहुल गांधी का नाम लिए बिना PM मोदी ने कहा कि जो बेल पर है वो चौकीदार को गाली दे रहे हैं। चौकीदार हूँ मैं भी
भाई बहनों, मैं अरुणाचल में बहुत बार आया लेकिन ऐसा विशाल जनसागर आज मुझे पहली बार देखने को मिला। मैं जानता हूं छोटा सा प्रदेश कितनी दूर दूर से आना पड़ता है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आपका यहां आना ये दिखा रहा है देश की हवा का रुख क्या है, ये अरुणाचल ने दिखा दिया। मोदी ने कहा, आप लोग सूर्य के तेज जैसे ही तेजस्वी हैं और आपकी शूरवीरता की चर्चा देश भर में होती है। ऐसे शूरवीर और तेजस्वी प्रजा को प्रधान सेवक का नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि देश के इस महत्वपूर्ण भाग को मैं पिछले 5 वर्ष से नए भारत का नया ग्रोथ इंजन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। साथ ही अपने काम का हिसाब देने की शुरुआत भी अरुणाचल प्रदेश से ही हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर से अपना नामांकन भरा। इससे पहले अमित शाह ने रोड शो किया और उनके साथ एनडीए के कई नेता भी मौजूद रहे। शाह के रोड शो में राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता शामिल हुए। इसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने गांधीनगर लोकसभा सीट के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया। शाह के भव्य रोड शो में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल, शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे सहित कई दिग्गजों ने शिरकत की। साथ ही नामांकन के वक्त इन नेताओं के अलावा वित्त मंत्री जेटली भी मौजूद रहे। अब तक इस सीट से बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी चुनाव लड़ते रहे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी। घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम, ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों चर्चा में हैं। उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए अपने भाषण में कहा है कि अब 72,000 आपका हथियार है, हर महीने 72,000 आपको मिलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो नीति आयोग को खत्म कर दिया जाएगा, इसके साथ ही योजना आयोग को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नीति आयोग के पास प्रधानमंत्री के लिए मार्केटिंग करने और फर्जी आंकड़े तैयार करने के अलावा कोई काम नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सत्ता में लौटने पर नीति आयोग की जगह एक छोटा योजना आयोग बनाए जाने की बात कही है। इसके सदस्य देश के बड़े अर्थशास्त्री और जानकार होंगे। इसमें 100 लोगों से भी कम का स्टाफ होगा। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को भंग कर दिया था। इसकी जगह नीति आयोग का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। नीति आयोग पर राहुल का यह हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके अध्यक्ष राजीव कुमार ने पिछले दिनों कांग्रेस की न्याय यानी न्यूनतम आय योजना को देश के लिए अनुचित बताया था। उनके इस बयान को लेकर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर जवाब तलब किया हुआ है। इसके बाद राहुल गांधी की चुनावी सभा का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो 72,000 को जनता का हथियार बता रहे हैं। राहुल कह रहे हैं हर महीने 72,000। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000 ये आपका हथियार है, हर महीने 72,000। राहुल गांधी के इस वीडियो पर उनकी ट्रोलिंग भी की जा रही है। लोग कह रहे हैं हर महीने राहुल गांधी 72,000 कहां से लाकर देंगे, इसका हिसाब दें। इससे पहले राहुल ने शुक्रवार को एक विशेष साक्षात्कार में पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बल्कि जनता की आवाज सुनाई देगी। ये आप नंबर याद रखिए, 72,000 ये आपका हथियार है, हर महीने 72,000।
कांग्रेस नेता अजय सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह भोपाल से नरेंद्र मोदी को मैदान में चाहते थे, लेकिन उनकी जगह नरेंद्र सिंह आ रहे हैं। अजय सिंह ने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह को भगौड़ा तक कहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता और रहे अर्जुन सिंह के पुत्र कांग्रेस नेता अजय सिंह का कहना है, वे सतना से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी उन्हें जहां से भी टिकट देगी वे चुनाव लड़ेंगे। अजय सिंह ने बीजेपी नेता नरेंद्र सिंह को भगौड़ा कहा। उनका कहना है, दिग्विजय सिंह चाहते थे बीजेपी भोपाल से नरेंद्र मोदी को मैदान में उतारे, लेकिन उनकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर आ रहे हैं। अनाउंस हुआ भोपाल, उसी दिन चुनाव हारे हुए कि भगौड़ा लेता है, कभी ग्वालियर वहाँ ठीक नहीं हो तो मुरैना ठीक नहीं लग रहा है तो भोपाल। अजय सिंह दिग्विजय सिंह के राज में मंत्री हुआ करते थे और मध्य प्रदेश में प्रतिपक्ष भी रहे हैं, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव वो हार गए। अब अजय सिंह सांसद बनने का सपना देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 6 चुनावी सभा और 2 रोड शो कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को राहुल की सभा और रोड शो का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। प्रदेश कमेटी जांजगीर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़, कांकेर और महासमुंद लोकसभा क्षेत्र में सभा, जबकि रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर व राजनांदगांव में किसी 2 लोकसभा सीट से रोड शो करवाना चाहती है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। प्रदेश में पहले चरण में 11 अप्रैल को 1 सीट बस्तर में मतदान होना है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि राहुल की बस्तर में पहले ही 16 फरवरी को सभा हो चुकी है, इसलिए बस्तर में सभा का प्रस्ताव नहीं भेजा है। दूसरे चरण के मतदान से पूर्व कांकेर और महासमुंद में राहुल की सभा का प्रस्ताव भेजा है। तीसरे चरण में 7 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन PCC ने कोरबा, रायगढ़, सरगुजा, जांजगीर सीटों में सभा का प्रस्ताव दिया है। दूसरे चरण की बची हुई 1 सीट राजनांदगांव और तीसरे चरण की बची हुई 3 सीटें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग को सभा से बाहर रखा है। PCC का मानना है कि रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग बड़े शहर हैं, जहां राहुल का रोड शो ज्यादा प्रभावी रहेगा। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है, और पात्रता के आधार पर पाए बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेज रफ्तार ट्रक गांधी सागर डैम के पुल की रेलिंग तोड़ता हुआ हवा में लटक गया। ट्रक का आधा हिस्सा पुल पर और आधा हिस्सा हवा में लटक रहा है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। भानपुरा में नीमच की ओर जा रहा ट्रक सुबह असंतुलित होकर गांधी सागर में डैम एरिया की पुलिया में घुस गया। तेज रफ्तार होने से सीमेंट की रेलिंग को तोड़ता हुआ पुलिया पर लटक गया। इससे ट्रक का आधा हिस्सा हवा में और आधा सड़क पर टिका रहा। पुलिया के 20 फुट नीचे पानी भरा हुआ था। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर बिना समय गंवाए ट्रक से बाहर आ गए। गांधीसागर थाना TI RC गौड़ ने बताया कि ट्रक में राख भरी हुई थी। शामगढ़ और नीमच से क्रेन बुलाकर ट्रक को सड़क पर लाया गया। कई घंटों तक ट्रक हवा में झूलता रहा। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कमर शुक्ला और 2 सूचना आयुक्तों को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ दिलवाई। ये शपथ समारोह राजभवन में हुआ।
मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला को शपथ ग्रहण करवाई। राजभवन में हुए एक सादा समारोह में सूचना आयुक्त बनाए गए डॉक्टर गोल्ला कृष्णमूर्ति और राहुल सिंह को भी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने शपथ ली गई। एक तरफ मध्य प्रदेश में शराबबंदी की बात की जा रही है, वहीं प्रशासन गहरी नींद में सो रहा है और बीच शहर में राजभवन के बिल्कुल करीब और विधानसभा के रास्ते में शराब की दुकान खोली जा रही है, जिसका जोरदार विरोध प्रदर्शन स्थानीय लोगों ने शुरू कर दिया है। अति महत्वपूर्ण और संवेदनशील इलाके में जहां से विधानसभा की बैरिकेडिंग की जाती है, जहां से राजभवन की दूरी मात्र 50 मीटर के अंदर है, जहां दिन में कई बार वीआईपी लोगों का कार्केट का मूवमेंट रहता है, वहां अचानक ईयर एंडिंग से पहले शराब की दुकान खुलने लगती है। जब रहवासियों और आसपास के व्यापारियों को इसका पता चला तो सभी महिलाएं, बच्चे व पुरुष काम धंधे बंद कर विरोध पर उतर आए। बंद करो, बंद करो, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी, शराब की दुकान विरोध का कारण सबसे पहला कारण ये है कि यहाँ पे धार्मिक आयोजन होते हैं। एक पहले गणेश जी स्थापित होते हैं, दुर्गा जी स्थापित होती हैं, शरद पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है, हनुमान जयंती का कार्यक्रम होता है, सारे धार्मिक कार्यक्रम यहाँ होते हैं। दूसरी बात सामने मंदिर है, तीसरी बात सामने मस्जिद है, चौथी बात सामने रहवासी क्षेत्र है, कम से कम 20,000 लोग रहते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, सबका आना जाना है यहाँ पे। तो यहाँ पे शराब की दुकान खुलेगी तो लोग गदर करेंगे, एक्सीडेंट होंगे, सामने मेन रोड है, तो सारी मतलब दिक्कतें ही दिक्कतें हैं टोटली। इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम किसी भी कीमत पे ये दुकान नहीं खुलने देंगे। इसके बारे में हमें कोई भी पूर्व सूचना नहीं थी और इधर पे विगत कई वर्षों से हमारे जन्मोत्सव के कार्यक्रम हिंदू नववर्ष आएगा उसमें हम कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम इधर हम लोग विगत 20 या 25-30 सालों से करते हैं। हमारे पिताजी भी वो यहीं पर कार्यक्रम करते थे, बहुत समय हो गया। और ये रहवासी क्षेत्र है और मतलब सरकार की गाइडलाइन में ये भी लिखा है कि रहवासी क्षेत्रों में ये शराब बराब की दुकानें नहीं खुलनी देनी चाहिए। तो ये एक तरीके से सरकार की नियमों की अवहेलना की जा रही है। तो ये हम लोग सब लोग यहाँ पर एकत्रित होकर विरोध कर रहे हैं इसका, और जब तक ये दुकान मतलब इसका टेंडर निरस्त नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आपको बता दें कि इस इलाके में छोटे बच्चों का स्कूल है, कई फैमिली रेस्टोरेंट है, मंदिर व मस्जिद है, महिलाओं के दफ्तर भी है, दुकानों के ठीक सामने कई सालों से झांकियां लगती आ रही हैं। राजभवन कुछ कदम की दूरी पर है, विधानसभा का मार्ग भी यहीं से होकर जाता है। यह शहर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जहां शराब की दुकान खोली जा रही है, जिससे आए दिन दुर्घटना होने का डर बना रहेगा। यहां पर मेरी खुद की शॉप है, यहां मैं खुद बैठती हूं, और यहां पर यदि बाजू में शराब की दुकान खुल जाती है तो जो महिलाएं भी आती हैं कई बार काम से, मैं सोशल वर्कर भी हूँ, यदि वो भी आएंगी तो आएंगी कैसे? यहाँ पर यदि लोग शराब पीकर खड़े रहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सारा शराब पीकर रोड पर जाएंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट होंगे, वो कौन संभालेगा? उसका जिम्मेदार क्या प्रशासन है? प्रशासन को होना पड़ेगा। यहाँ जैसे मैं शॉप पर बैठती हूँ और यहाँ पर महिलाएँ मिलने आती हैं, और ऐसे में यदि शराब पीकर लोग यहाँ खड़े रहेंगे तो आपको नहीं लगता कि क्या ये गलत है? ये पूरी तरह से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शराब पीकर लोग गालियाँ देते हैं, नशे में पड़े रहते हैं, फिर गलत ही काम होगा और क्या होगा। हम यहाँ पर शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे, यहाँ पर चाहे हमें कितने ही दिन भूखा रहना पड़े। जानकारी के अनुसार शराब की दुकान खुलने का नियम है कि उसके 50 मीटर के दायरे में कोई भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई दूसरा धार्मिक स्थल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहाँ शराब की दुकान नहीं खुल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अप्रैल से नेशनल और स्टेट हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब की दुकानें खुलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इस विरोध में जनता का साथ देने के लिए स्थानीय पार्षद मीना यादव भी सड़कों पर उतर आई है, और दुकान ना खोली जाए इसके लिए राज्यपाल, कलेक्टर, कमिश्नर, एसडीएम व पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। लोगों का कहना है कि अगर सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे, दुकान नहीं खुलने देंगे, चाहे भले ही भूख हड़ताल करनी पड़े। नहीं, ये जो शराब की दुकान खुल रही है ये बहुत गलत खुल रही है, क्योंकि राजभवन की दूरी और इनकी 50 मीटर भी नहीं हो रही है, और स्कूल भी है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, और यहाँ पूरे मालवी नगर के रहवासी भी हैं, और यहाँ झांकी की स्थापना होती है, नवरात्रि शुरू होने वाली 6 तारीख से। हम इसको नहीं खुलने देंगे, हम ये शराब की दुकान का पूरे दम से सभी लोग विरोध करेंगे, और चाहे भले हमें इसे
कितने भी हद तक जाना पड़ेगा हम ये दुकान नहीं खोलने देंगे। जब शराब दुकान खुलने के संबंध में दुकान पर बैठे लोगों से बात की गई तो किसी ने भी बात नहीं की और जवाब देने से मना कर दिया, यहाँ तक कि कैमरा भी बंद करने को कहा और सभी वहाँ पर पल्ला झाड़ते नजर आए। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लाइफ है प्यारी सी, जी लो हंसी खुशी, प्लानिंग करो अब लाइफ की, सेविंग्स करो, इंश्योरेंस पाओ। LIC के न्यू एंडोमेंट प्लान में पाइए बचत के साथ सुरक्षा भी, घर अपने खुशियां ले आओ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गर्मी शुरू होते ही बुंदेलखंड में जल संकट गहरा जाता है। देवपुर गांव में महिलाओं ने सूखे से निपटने के लिए बड़ी पहल की है। सूखे तालाब को महिलाएं गहरा करने में लगी हैं। महिलाओं के संघर्ष को देखते हुए उनका हाथ बटाने अब पुरुष भी साथ आ रहे हैं। गर्मी अभी शुरू हुई है लेकिन भीषण गर्मी का असर इस गाँव में अभी से दिख रहा है। गाँव में 4 तालाब है लेकिन कम बारिश के चलते 2 तालाब पूरी तरह सूख चुके हैं, तो वहीं 2 तालाब बचे हैं, उनमें भी पानी कम है। गांव के लोगों को 1 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता है। गांव की पंचायत ने कई बार प्रशासन से तालाब के गहरीकरण करने की मांग की, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर ग्रामीणों ने खुद ही तालाब को गहरा करने की ठानी। गाँव की दर्जनों महिलाओं ने पहल करते हुए तालाब को गहरा करने का बीड़ा उठाया। बहुत समस्या है, 3 तालाब हैं, किसी में भी पानी नहीं। तो आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खोद रहे हैं? बस काम चल रहा है, पानी की समस्या है, उसके लिए पानी निकालना है, उसी के लिए काम चल रहा है। कब से चल रहा है? 17 फरवरी से काम शुरू है। अभी तक पानी आप कहाँ से ले आ रही हो? बहुत दूर से लाते हैं, हेडपम्प निकलता ही नहीं है पानी। कितनी दूर जाना पड़ता है? लगभग कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाते हैं। पानी की समस्या है ज्यादा यहाँ, रोड की है समस्या, लाइट की समस्या है, जो बच्चे परेशान होते हैं, बच्चों खाना ठीक से नहीं मिलता, बच्चों से इतनी परेशानी है, हेड पंप करना है गांव में। कितने किलोमीटर लगभग? 3-4 किलोमीटर से। पूरा गांव वहीं जाता है? हाँ वहीं जाता। यहाँ पे क्या कर रहे हैं काम? तालाब में तालाब बनवाने, जो सब जानवरों के काम आ जाए, आदमी के काम आ जाए। तो आप सब मिलके यहाँ पे क्या खुदाई रोज करते हैं? खुदाई रोज करते हैं। ग्रामीणों का तालाब खोदने का काम जारी है। रोजाना ग्रामीण सभी काम छोड़कर तालाब को खोदने के काम में लगे हुए हैं। भीषण गर्मी में जब लोग धूप से बचने के लिए घरों में छिप जाते हैं, वहीं देवपुर के ग्रामीण एक मिसाल है। जब प्रशासन को देवपुर गाँव के लोगों के तालाब खोदने की बात पता चली तो प्रशासन ने भी देवपुर के ग्रामीणों के प्रयास की सराहना करते हुए इस काम को देखने की बात कही। ये आपके द्वारा जानकारी अभी दी गई है, अगर ग्रामीणों के द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है, क्योंकि आगे आने वाला समय भीषण गर्मी का रहेगा और ऐसी गर्मी के समय में अगर ग्रामीण अपना स्वयं की व्यवस्था अगर खुद के प्रयास करके करते हैं तो बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छा कार्य है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पुलिस ने सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है। ऐसे में अपराधियों का पुलिस की नजरों से बच पाना मुश्किल हो गया है। सर्चिंग अभियान में खरगोन पुलिस ने सर्चिंग अभियान में अवैध हथियार ले जाते 4 युवक गिरफ्तार किए हैं। पुलिस की सर्चिंग अभियान के दौरान अवैध हथियार परिवहन करने वाला एक गिरोह हत्थे चढ़ा है। इस गिरोह में 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम राघवेंद्र शर्मा सोनू गिल, जीतेन सोनी और सिगनूर निवासी सिकलीगर रतन सिंह है। इन आरोपियों के पास से 4 पिस्टल, 2 देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस
जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार चारों आरोपियों का पूर्व में भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। आपको बता दें कि सिकलीगर एक समुदाय है जो हथियार बनाने का काम करता है। संगीत से तो सभी जुड़े होते हैं, मगर कई बार जीवन की व्यस्तता में अपने शौक को पूरा नहीं कर पाते और अरमान दिल में दबे रह जाते हैं। मगर जब जिंदगी के कामों से फुर्सत मिलती है, तब आपको आपके शौक को पूरा करने के लिए कुछ सहारा मिल जाए तो आपके जीवन की सबसे बड़ा सुख होता है। जी हाँ, मनभावन संस्था भी संगीत प्रेमियों के लिए एक सहारा बन चुकी है, जो उम्र के एक पड़ाव को पार कर चुके हैं, लोगों को संगीत सिखाती है। इन्हीं सिंगर ने जब सदाबहार फिल्मी गीतों की शाम सुरमई कर दी तो श्रोता झूम उठे। बाथरूम सिंगर तो सभी होते हैं, मगर कोई सिखाने वाला मिल जाए तो वही सिंगर मंच पर बेहतरीन प्रस्तुति देने वाला सिंगर बन जाता है। मनभावन संस्था के अध्यक्ष अशोक सिंह भी सालों से उन लोगों को संगीत सिखा रहे हैं जो जिंदगी की व्यस्तताओं में गाना भूल चुके थे, मगर अरमान जिंदा थे। अशोक सिंह संगीत प्रेमियों को सिखाते ही नहीं, बल्कि उन्हें सालों से अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच भी मुहैया कराते हैं। रविन भवन में मनभावन संस्था द्वारा संगीतमय शाम गाने सुहाने का आयोजन किया गया। हमारी ये संस्था जो है मनभावन, हर साल एक प्रोग्राम करती है। संस्था में बहुत सारे ऐसे लोग सीखते हैं जो अपने जीवन में संगीत को बहुत महत्व देते थे लेकिन कर नहीं पाए कुछ। धीरे धीरे उनका रुझान बढ़ता गया और वो अपने दूसरे कामों के साथ साथ संगीत सीखने लगे। कुछ लोग रिटायर हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपने कामों से थोड़ा सा निवृत्त हो गए हैं, उन्होंने संगीत को फिर से अपना लिया है और अभी धीरे धीरे ये स्थिति है कि बहुत सारे लोग संगीत सीख रहे हैं। मन भावन संस्था की संगीतमय शाम के गाने सुहाने कार्यक्रम में श्रोताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने सिंगरों का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया। इस संगीतमय शाम के मुख्य अतिथि IPS महान भारत सागर और श्रीमती मुंजला रतन सागर थी। आज ये मन भावन संस्था के द्वारा ये जो गाने सुहाने कार्यक्रम आयोजित किया गया, ये एक बहुत अच्छी पहल है। हमारे भाई अशोक सिंह जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक है, वो इसमें बहुत रुचि लेकर के और उन्होंने एक स्कूल बना रखा है जिसमें कि वो सभी वर्ग के, मतलब कि छोटी आयु से लेकर बड़ी आयु से, इवन 70 वर्ष की आयु तक के लोगों को इसमें सिंगिंग में प्रशिक्षण देते हैं। और सिंगिंग एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज है कि जो आप कोई भी वर्ग का व्यक्ति हो उसको उसमें बहुत आनंद आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब आपके लिए भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली और आज तो भैया बड़ी खुशी का दिन है। अल्लाह मियाँ जरा रसगुल्ले वगैरह खिलाओ सबको। हाँ, अरे भैया हमने क्या हुआ, अंतरिक्ष में इतनी ताकत पैदा कर ली है, ऐसी बेटी बेटी मिसाइल जाएगी, दुश्मन का सैटेलाइट को खत्म कर सकती है। ये ताकत पहली बार आई है अपने यहाँ। वो बता रहा हूँ, ये दुनिया में अपना चौथा नंबर आ गया है, अमेरिका, उसके बाद रशिया, रशिया के बाद चाइना और फिर अपन इंडिया, और इस पर पाकिस्तान बोल के ऐसे भून भुन आ गया। बता रहे हैं ऐसे भिड़बड़ा रहा है, इसको ऐसी घबराहट होने लगती है, यानी क्या, अरे तेरे ऊपर डालना है कि भैया। और मैं बता रहा हूँ कि भैया ये भुनभुना रहा है ये तो ठीक है, इसको भुनभुनाने से यहाँ के विपक्षी दल क्यों भुनभुनाने लगती है। अरे ये देश के गौरव की बात है, अपने सम्मान की बात है, कभी तो तारीफ करो। मैं बता रही हूँ हो क्या जाता है, और वो ममता बनर्जी और ये मायावती कह रही है आचार संहिता का उल्लंघन। अरे मैं कह रहा हूँ, अगर तुम प्रधानमंत्री होती तो तुम भी करती ना, कौन ऐलान करता, देश का जो मुखिया होगा वही तो ऐलान करेगा ना। और फिर वो वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं वो तो बैठे ही हैं साथ में, वो तो कर ही रहे हैं। ये DRDO के पूर्व चीफ हैं सारस्वत जी, ये कह रहे हैं कि इन्होंने है ना पहले ही तैयारी कर ली थी, लेकिन ये उस समय ये प्रधानमंत्री अपनी मनमोहन सिंह जी उन्होंने ऑर्डर दिया नहीं, तो ये वो तो पहले ही हो जाता है, ये धमाका बता रही हूँ। अब कांग्रेसियों को खुश होना चाहिए, तैयारी पहले चल रही थी ना, उसमें क्या है, लेकिन उसके लिए 56 इंच का सीना चाहिए ना भैया ऑर्डर देने के लिए, तो दे दिया इनने, इसमें तकलीफ आएगी, ये अच्छी बात है। हाँ, और राहुल गांधी ने भैया मोदी जी को वर्ल्ड थिएटर डे पे है ना बधाई भेजिए। और मैं कह रहा हूँ इस समय इंडिया में दो बड़े एक्टर हैं, इनसे बड़ा कोई एक्टर है नहीं, एक तो राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी। और भैया राहुल गांधी से बड़ा कॉमेडियन कोई है क्या इस समय, और नरेंद्र मोदी भैया एग्रेशन वाले एक्टर हैं दोनों, ये बधाई दी है तो बड़ा अच्छा काम किया। मोदी जी को भी इनको बधाई देना चाहिए, तुम भी अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ, और मैं बता रहा हूँ, जब से ये राफेल का चक्कर चलाया नहीं आकाश में, तब से है ना ये मोदी जी है ना एयर स्ट्राइक ही कर रहे हैं, हवा में खेल रहे हैं, पहले एयर स्ट्राइक कर दिया, अभी सैटेलाइट करवा दिया,
तो बता रही हूँ ये मत चिड़ो, ये हवा में चलता रहेगा मामला। और ये रघुराम राजन है जो पूर्व गवर्नर है ना आरबीआई की, ये कह रहे हैं कांग्रेस की जो योजनाएं बहुत अच्छी हैं, ये हैं वो हैं। और मैं तो अंदर की बात समझ लेता हूँ, इनका भी मन कर रही है चुनाव उनाव लड़ने का, बता रही हूँ ये पार्टी वार्टी में आने वाले। हाँ, और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर ये बायोपिक बन रही है, ये पीएम नरेंद्र मोदी, बता रही हूँ ये और एक स्टाइल की और होने वाली है। अभी देखो विपक्षी दल की चिन्ह लाते हैं। और भैया ये कांग्रेस भी बहुत परेशान थे, सपना चौधरी ने मना कर दिया आने से, और मैं बता रहा उनके लिए खुशी हो गई कल, और मेरा मतोड़ करने आया ना कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब उनके भी लड़के झड़के देख लो भैया, तुम खुश हो जाओ उसमें क्या है। या ही रे जो लगे नाची रे वो जे रंगीला, ये सब गाई। और मेरा भी मन हो रहा भाई नाचने गाने का, मैं भी जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।